हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कलारम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो वो दिन आ गया है जिसका आप सभी को इंतजार था, जिन्होंने भी कलारम के स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था। रिजल्ट मेरे हाथ में है, किस आर्टिस्ट को क्या क्या स्कॉलरशिप मिली है वो फाइनली लिस्ट मेरे हाथ में है और ये रिजल्ट मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। रिजल्ट अनाउंस करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ये स्कॉलरशिप अनाउंस की गई थी कलारम द्वारा, इसमें जो कैश स्कॉलरशिप अवार्ड है, 3 अवार्ड रखे गए हैं कैश स्कॉलरशिप में। जो पहला ब्रॉन्ज स्कॉलरशिप अवार्ड है उसका जो कैश अमाउंट है वो 10,000 इंडियन रुपीज़ है और जो सिल्वर स्कॉलरशिप अवार्ड है उसका कैश प्राइस 20,000 इंडियन रुपीज़ है और जो गोल्ड स्कॉलरशिप अवार्ड है उसका कैश प्राइस 30,000 इंडियन रुपीज है। तो किस किस आर्टिस्ट को क्या क्या स्कॉलरशिप मिली है, इसके अलावा भी आर्ट मटेरियल और ईजल और आर्ट क्लासेस के रूप में अलग अलग आर्टिस्ट को स्कॉलरशिप मिली है, वो सभी मैं आपके साथ अभी कुछ ही देर में शेयर करने वाला हूँ। रिजल्ट अनाउंस करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि कला आरंभ एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्टिस्ट के लिए वर्क करते हैं, आर्टिस्ट को ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं, अलग अलग इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और आर्ट कंपटीशन, स्कॉलरशिप और कलारम्भ अपने इस यूट्यूब चैनल के जरिए भी अलग अलग आर्टिस्ट के डेमो लेकर आता है ताकि जो न्यू इमर्जिंग आर्टिस्ट हैं वो कुछ ना कुछ सीख पाए। इस कलारम्भ के फाउंडर हैं महाराष्ट्र से इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज आर्टिस्ट निशिकांत पालांडे सर और साथ में कोलकाता से इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड आर्टिस्ट अचिंत्य हाजरा सर। इन दो मास्टर आर्टिस्ट ने कलारम की नींव रखी जो कि आज आप सभी के साथ है, आप सभी की मदद से आगे बढ़ रहा है। अभी बात करते हैं स्कॉलरशिप की, जिनको नहीं मालूम उनको बताना चाहता हूँ कि कलारम ने अनाउंस की थी 2,00,000 से भी ज़्यादा की स्कॉलरशिप, जिसके लिए कि कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं थी, सिर्फ ऑनलाइन आप को उसके लिए अप्लाई करना था गूगल फॉर्म के जरिए। बहुत ही अच्छा रिस्पांस इस स्कॉलरशिप के लिए आप सभी ने दिया, करीब 1,000 से भी ज्यादा आर्टिस्ट ने इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। इसका मतलब हमारे पास 5,000 से भी ज्यादा आर्टवर्क्स थे जजिंग करने के लिए। जजिंग की बात आती है तो मैं आपको बता दूं, जो जजमेंट है उसमें कलारम का कोई इंटरफेयर नहीं है। जजिंग पैनल जो है वो पहले से ही कलारम ने अनाउंस कर दिया था, उसके बारे में भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो जो हमारा जजिंग पैनल था आप स्क्रीन पर भी देख पाएंगे, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज आर्टिस्ट जिन्हें की हम कलारम के ग्रैंड मास्टर भी बोलते हैं, मास्टर विजय विश्वाल सर हमारे जजिंग पैनल में थे। साथ में थे पुणे से इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज आर्टिस्ट जो कि किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, संजय देसाई सर, और साथ में ही महाराष्ट्र से ही मास्टर आर्टिस्ट विक्रांत सिटोले सर भी थे हमारे जजिंग पैनल में, और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज आर्टिस्ट चंडीगढ़ से सिकंदर सिंह सर थे इस जजिंग पैनल का हिस्सा। तो ये जजिंग पैनल था और इसमें कलारम का कोई भी इंटरफेयर नहीं था, तो जो भी जजमेंट हुई है वो जजिस ने हमें करके दी और साथ में वो रिजल्ट मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। लेकिन रिजल्ट अनाउंस करने से पहले मैं कुछ एक पॉइंट्स जो है आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि अभी आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया या फिर किसी आप आर्ट कंपटीशन के लिए अप्लाई करते हैं या आप इंटरनेशनली अपना कोई वर्क सेंड करते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कलारम का यही मकसद है ताकि जिन लोगों को, जिन आर्टिस्ट को या न्यू आर्टिस्ट को इन चीज़ों का नहीं पता तो ज़रूर इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट की जानी चाहिए। तो यही बात है कि जो वो कुछ एक पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसमें से सबसे पहला, तो जब भी आप आर्टवर्क किसी भी कंपटीशन के लिए, किसी भी एग्जीबिशन के लिए सेंड करते हैं उसमें सिर्फ आपको आर्टवर्क ही सेंड करना होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको दूर से फोटो खींच के भेज देंगे या फिर उसके पास में उसके चारों तरफ कलर्स की ट्यूब रखकर या ब्रश रखकर उसकी फोटो सेंड की बहुत से आर्टिस्ट ने, और यही रीजन है कि बहुत से वक्त वहीं पर डिस्क्वालीफाई हो गए।
क्यों? क्योंकि इसके बारे में पहले से जानकारी दी थी कलारम के यूट्यूब चैनल पर, वो सारी जानकारी थी कि आपको कैसे आर्टवर्क सेंड करना है। अभी भी किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो कलारम के आप इसी यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो वीडियो ऐड कर दूंगा, आप जरूर उसे देखिएगा क्योंकि ये अभी शुरुआत है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपका काम और भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और बहुत से बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में, एग्जीबिशन्स में आप अप्लाई करोगे, वहाँ पर पार्टिसिपेट करोगे। तो इन जो बेसिक चीजें हैं इनका आपको पता होना बहुत जरूरी है, तो वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, जरूर देखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, आपको उसके लिए बॉर्डर भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पूरा पूरा आर्टवर्क ही आपको सेंड करना होता है। और उसके बाद जो अगला पॉइंट ये है कि बहुत से लोगों ने रीनेम नहीं किया था, जो भी आर्टवर्क की फोटो सेंड किया उसको रीनेम ही नहीं किया था। तो कैसे रीनेम करते हैं फोटो को, उसका वीडियो भी एक स्पेशल वीडियो बनाया गया था इस स्कॉलरशिप को जब अनाउंस किया गया था, तो आप वो वीडियो भी जाके जरूर देखिए, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया है। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, यही मकसद है कलारम का, अवेयरनेस क्रिएट करना। ये स्कॉलरशिप और ये कॉम्पिटिशन छोटे छोटे ऐसे प्रोग्राम है जिसके जरिए हम ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद जो अगला पॉइंट है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, अगर आपसे आर्टवर्क जेपीईजी के फॉर्मेट में मांगा गया है तो उसको पीडीएफ में सेंड मत कीजिए, क्योंकि वहां पर भी जजिंग में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। तो वो सब प्रॉब्लम जब जजेस फेस करते हैं तो हो सकता है कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके लिए रिजल्ट में पड़ जाए, तो बिल्कुल इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है। और एक और जो बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है कि जब भी आप किसी भी कंपटीशन में या किसी भी एग्जीबिशन में आपसे प्रोफाइल फोटो मांगा जाता है अपना, तो प्लीज सेल्फी क्लिक करके मत भेजिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ऐसे ऐसे सेल्फी या फिर दूर से या फिर किसी फंक्शन का फोटो या फिर किसी पोज में ऐसे पीछे को देखते हो फोटो, ऐसे ऐसे प्रोफाइल अटैच किए गए हैं जिन्होंने भी स्कॉलरशिप भरी है। बहुत से आर्टिस्टों ने ऐसे भी किया है, लेकिन हम समझते हैं कि ये शायद उनका पहला ऐसा एक्सपीरियंस होगा या पहला ओकेजन होगा, तो कोई इसमें ऐसा नहीं है। जब भी कोई चीज़ या किसी चीज़ से हम सीखते हैं और उसको इम्प्रूव करते हैं तभी हमारी ग्रोथ होती है। तो यही रीज़न है ये बताने का कि ये अभी एक पड़ाव है, इससे आगे बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे, तो वहाँ पर ये गलती मत कीजिएगा। जब भी आपको प्रोफाइल फ़ोटो भेजनी है तो आपको सीधे खड़े होके एक चेस्ट तक की एक फोटो आपको क्लिक करनी होती है और वो आपको सेंड करनी होती है, हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ एक पॉइंट थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, ताकि आप जब भी नेक्स्ट टाइम किसी कंपटीशन में या किसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करें, चाहे किसी भी वो ऑर्गेनाइजेशन का हो, तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। और अभी मैं रिजल्ट जब भी अनाउंस करूंगा तो सबसे पहले तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी का देखिएगा कि किसने क्या वर्क भेजा था और वो क्या ऐसी क्वालिटी थी कि उन्होंने विन किया। ऐसा नहीं है कि मेरा नाम नहीं आया तो छोड़ दो या फिर कुछ नेगेटिव बातें करो, इन चीज़ों से हटकर हमें यही देखना है कि इससे हमें सीखने को क्या मिलता है। इसलिए जो सभी रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस किए जाएंगे उसको आप ध्यान से देखिएगा, लिस्ट मेरे हाथ में है, मैं नाम भी लूंगा, मैं अनाउंस भी करूंगा, साथ ही मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर भी उनके पोस्टर दिखाई देंगे। तो किसी को अगर नाम का डाउट हो कि ऐसे एक ही नाम के कई सारे आर्टिस्ट होते हैं, तो साथ में उनके वर्क भी डिस्प्ले किए गए हैं, या फिर जिन्होंने प्रोफाइल फोटो ऐड की थी तो उनकी प्रोफाइल फोटो भी ऐड की गई है। तो जरूर ध्यान रखिएगा, आप स्क्रीन के ऊपर भी ध्यान रखिएगा कि क्या क्या पोस्टर आ रहे हैं। साथ ही मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जो भी आर्ट क्लासेस के जजमेंट है वो रैंडमली चूज किया गया है एक स्लिप सिस्टम के जरिए। जिन जिन आर्टिस्ट ने आर्ट क्लासेस के लिए इंटरेस्ट शो किया था उन सभी के नाम की स्लिप्स बनाकर वो स्लिप्स के जरिए ये डिसाइड किया गया कि किस किस को आर्ट क्लासेस मिलेंगी। जो सिर्फ आर्ट क्लासेस की हैं, उसके अलावा जितने भी बाकी जजमेंट है वो हमारे जजेस पैनल ने निकाली थी, और इतने अच्छे और इतने हाई लेवल के वर्क और आर्टिस्ट
इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के जरिए हमें मिले कि जिनका काम देखकर जजेस भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे और बहुत ही अमेजिंग कॉम्प्लीमेंट जजेस दे रहे थे जिन आर्टिस्ट को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। तो आपको बता दूं कि अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी है। एक तो मैंने कैश अवार्ड आपको पहले ही बता दिया है, ब्रॉन्ज स्कॉलरशिप अवार्ड 10,000 का, सिल्वर स्कॉलरशिप अवार्ड 20,000 का और गोल्ड स्कॉलरशिप अवार्ड 30,000 का। उसके अलावा सिकंदर सर ने स्पॉन्सर किया था आर्ट क्लासेस के लिए वर्थ 5,000, उसमें 2 स्टूडेंट्स को क्लासेस मिली हैं। अचिंत्य हाजरा सर ने 4 स्टूडेंट्स को क्लासेस आर्ट क्लासेस प्रोवाइड किए हैं और निशिकांत सर ने 2 आर्टिस्ट को अपना जो डिटेल्ड आर्ट कोर्स है वर्थ ₹24,000 ईच, वो उन्होंने स्कॉलरशिप के जरिए स्पॉन्सर किया है। और साथ में प्रफुल्ल सावन सर ने अपना सिग्नेचर सीरीज ब्रश स्पॉन्सर किया है, वो भी किसी आर्टिस्ट को ये आज मैं अनाउंस करूंगा कि जिसको भी मिल रहा है। साथ में अचिंत्य हाजरा सर का प्रोफेशनल ईजल एक किसी आर्टिस्ट को मिलेगा और एक आर्टिस्ट को आर्ट टेक्नो इनोवेशन का प्लेन एयर ईजल यहाँ पर मिलेगा, तो उनके नाम मैं अभी अनाउंस करूंगा। साथ में एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन या एक जेस्चर जो है दिया है स्काउट बैग के जरिए, जो कि हो सकता है कि वो उनके काम के मुकाबले बहुत कम है ये जो इनाम है या जो स्कॉलरशिप है, लेकिन जितने भी अवेलेबल सोर्स थे वो उसमें से हम क्या क्या किस किस को मैक्सिमम दे सकते हैं उसकी कोशिश कलारम ने की है। तो ये स्काउट बैग है, जो स्काउट बैग ने 10 बैग स्पॉन्सर किए थे, छोटे जो स्लिंग बैग होते हैं वो स्पॉन्सर किए थे, 10 आर्टिस्ट को वो बैग मिलेंगे, वो भी मैं यहाँ पर नाम अनाउंस करूँगा। और उसके अलावा एलिफेंट जो आर्ट मटेरियल है जिनके की एक्रेलिक कलर है, उन्होंने 5,000 की 2 स्कॉलरशिप अनाउंस की थी, उनको आर्ट मटेरियल मिलेगा 5,000 का, दोनों आर्टिस्ट को 5,000 ईच, एक आर्टिस्ट को 5,000 का और दूसरे आर्टिस्ट को भी 5,000 का। उसके अलावा EVS आर्ट स्टोर जो कि चंडीगढ़ में है, उन्होंने भी 2 आर्टिस्ट के लिए बाउचर दिए हैं 5,000 ईच, मतलब जो दोनों आर्टिस्ट हैं उनको 5,000 के कूपन दिए जाएंगे, वो कुछ भी मटेरियल वहां से बाय कर सकते हैं उस बाउचर के जरिए। और इसके साथ ही रैप एंड वूफ, ये भी एक ऑनलाइन आर्ट स्टोर है, इन्होंने भी 5,000 के 2 स्कॉलरशिप अनाउंस किए हैं, ये भी आपको बाउचर के रूप में मिलेंगे जिन भी आर्टिस्ट को ये मिल रहे हैं, तो वो भी 5,000 के आर्ट मटेरियल इनसे परचेज कर सकते हैं अपनी मर्जी का। तो लेकिन जो एलिफेंट का है उसमें आर्ट मटेरियल ही प्रोवाइड किया जा रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिकंदर सर ने भी आर्ट मटेरियल स्पॉन्सर किया था, वो भी जिस आर्टिस्ट को मिल रहा है उसका नाम भी यहाँ पर मैं अनाउंस करने वाला हूँ। तो चलिए अभी रिजल्ट मैं अनाउंस करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्ट क्लासेस की, कि आर्ट क्लासेस किसे मिली हैं स्कॉलरशिप के रूप में। तो अगर किसी को नाम सुनने में कुछ कन्फ्यूज़न हो तो यहाँ स्क्रीन के ऊपर आपको पोस्टर दिखेंगे, वहाँ से आप पता लगा सकते हो कि ये स्कॉलरशिप किसे मिली है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्ट क्लासेस बाय सिकंदर सर वर्थ ₹5,000 ईच। तो 2 आर्टिस्ट हैं जिनको सिकंदर सर ने 5,000 की क्लासेस जो है वो स्पॉन्सर की हैं, तो उनके नाम हैं सबसे पहले तो अमित माइटी, कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा इनको। और जो दूसरे आर्टिस्ट हैं जिनको सिकंदर सर की आर्ट क्लासेस मिलती है वर्थ ₹5,000, वो है अभी वर्ट्स बीस्ट। तो यहाँ पर स्क्रीन पर उनका पोस्टर आपको दिख रहा होगा, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। उसके बाद बात करते हैं आर्ट क्लासेस बाय अचिंत्य हाजरा सर। तो अचिंत्य हाजरा सर जो कि फाउंडर भी हैं कलारम के, उन्होंने 4 आर्टिस्ट को आर्ट क्लासेस स्पॉन्सर की है वर्थ ₹5,000 ईच, मतलब हर आर्टिस्ट को 5,000 की आर्ट क्लासेस स्कॉलरशिप के रूप में मिल रही हैं। वो कौन कौन आर्टिस्ट हैं उनके नाम मैं यहाँ पर अनाउंस कर रहा हूँ, उनके पोस्टर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएंगे। तो जो पहले आर्टिस्ट हैं वो है ऐश्वर्या
वाह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा ऐश्वर्या जी को। और जो दूसरे आर्टिस्ट हैं जिनको अचिंत्य हाजरा सर की क्लास स्पॉन्सरशिप के रूप में मिल रही है, वो है तनुश्री नश्कर जी। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करूँगा तनुश्री जी को भी एक बार। और जो तीसरे आर्टिस्ट है जिनको अचिंत्य हाजरा सर की क्लास मिल रही है, वो है कोमल जोशी जी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन कोमल जोशी जी आपको भी। और जो चौथे आर्टिस्ट हैं जिनको अचिंत्य हाजरा सर की आर्ट क्लासेस मिल रही हैं स्कॉलरशिप के रूप में, वो है आरती ज्ञान चंदानी जी। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा आरती ज्ञान चंदानी जी को भी। अभी निशिकांत सर की जो आर्ट क्लासेस है, जो एक आर्ट कोर्स है वर्थ ₹24,000 ईच, तो इसका मतलब दो आर्टिस्ट हैं जिनको 24,000 रुपए का ये आर्ट कोर्स एज ए स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो उनके नाम मैं यहाँ पर अनाउंस करता हूँ। तो जो सबसे पहला नाम है वो है ऋषभ दिनकर जी। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करूँगा ऋषभ जी को इस स्कॉलरशिप के लिए। और साथ में जो दूसरे आर्टिस्ट हैं जिनको ये ₹24,000 का आर्ट कोर्स निशिकांत सर का जो स्कॉलरशिप मिल रहा है, उनका नाम है श्रुति पीसे जी। मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा एक बार फिर से श्रुति जी को भी। और मास्टर आर्टिस्ट विक्रांत सिटोले सर ने भी अपने दो बड़े कोर्स एज ए स्कॉलरशिप स्पॉन्सर किए हैं, जिसमें कि एक आर्ट फंडामेंटल कोर्स है और एक ऑल अबाउट वाटर कलर कोर्स है। तो ये स्कॉलरशिप जिनको मिलती है, इसमें डिस्काउंट मिला है। सबसे पहले डियाना गाला जी को मिलती है 50% की स्कॉलरशिप इस कोर्स के लिए, और उसके बाद रीति सुंदर रॉय को मिलती है 25% स्कॉलरशिप इस कोर्स के लिए। और वाटर कलर कोर्स की बात करें तो भावना मिश्रा को मिलती है 50% की स्कॉलरशिप, और नितेश ठाकुर को 25% स्कॉलरशिप मिलती है इस कोर्स के लिए। उसके बाद जो स्काउट बैग ने 10 सीलिंग बैग स्पॉन्सर किए थे आर्टिस्ट के लिए, उन 10 आर्टिस्ट के मैं नाम यहाँ पर अनाउंस करने जा रहा हूँ। तो उसके साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि जैसा इन सभी आर्टिस्ट का काम था, तो ये एक बैग जस्टिफाई नहीं करता उनके काम को, क्योंकि काम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था इन सभी आर्टिस्ट का, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। तो इसे एज ए स्कॉलरशिप ना समझकर आप एक गिफ्ट समझ सकते हैं कलारम की ओर से, एक एप्रिसिएशन जो जेस्चर है वो समझ सकते हैं कलारम की तरफ से। तो इसे मैं स्कॉलरशिप ना कहकर एक गिफ्ट कहूँगा जो कलारम की तरफ से आपको मिल रहा है। आपका वक्त जो है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। तो उन सभी 10 आर्टिस्ट के मैं नाम ले रहा हूँ जिनको ये स्काउट बैग मिल रहा है कलारम की तरफ से, जो कि स्काउट बैग ने स्पॉन्सर किया था। नाम लेने से पहले मैं ये भी बता दूँ, जिन जिन आर्ट स्टोर्स ने या आर्ट कंपनीज ने इस स्कॉलरशिप के लिए स्पॉन्सरशिप दी है और सपोर्ट किया है आर्टिस्ट कम्युनिटी को, आर्टिस्ट कम्युनिटी का भी फर्ज बनता है कि इनको सपोर्ट किया जाए, क्योंकि कलारम ने बहुत से बड़े बड़े इंडिया के स्टोर्स को अप्रोच किया था इस स्कॉलरशिप के लिए कि आप आर्टिस्ट के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो जरूर यहाँ पर आप आर्टिस्ट को स्कॉलरशिप दे सकते हैं, स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारे आर्ट स्टोर उसके लिए आगे नहीं आए। तो ये जो आर्ट स्टोर हैं जो ऑनलाइन भी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, ये इस नेक काम के लिए आगे आए और आर्टिस्ट को सपोर्ट किया इन्होंने। तो ये मैं भी यही कहूँगा कि इन सभी जो आर्ट स्टोर हैं इनको आप सभी भी सपोर्ट कीजिए, आपको स्पॉन्सरशिप मिली या नहीं मिली, क्योंकि इसका भी एक लिमिटेशन है हम कितना हम स्पॉन्सरशिप या स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा सकते हैं। लेकिन अगर एक आर्ट कम्युनिटी की तरफ से देखा जाए तो इन सभी आर्ट स्टोर ने आर्ट कम्युनिटी को सपोर्ट किया है, तो आर्ट कम्युनिटी का भी फर्ज बनता है इनको सपोर्ट करने का, ऐसा हमारा कलारम का मानना है। तो वो जो आर्ट स्टोर है उनके नाम एक बार मैं लेना चाहता हूँ। एक स्काउट बैग है जो कि बैग्स जो प्लेन एयर के लिए बैग भी यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। साथ में एलिफेंट आर्ट मटेरियल कंपनी है जो कि एक्रेलिक कलर प्रोवाइड करवाते हैं अमेजिंग क्वालिटी के, और साथ में इनके ब्रशेज भी अवेलेबल है मार्केट में। EVS आर्ट स्टोर जो कि चंडीगढ़ में है, बहुत पुराना आर्ट स्टोर है, ये भी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, इन्होंने भी स्पॉन्सरशिप किया है। और साथ में रैप एंड वूफ, ये भी एक ऑनलाइन आर्ट स्टोर है, यहाँ पर भी आपको आर्ट से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द मटेरियल मिल जाता है, और ये हमेशा से ही आर्ट कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। और प्रफुल्ल सावंत सर ने भी सपोर्ट किया है, तो उन्होंने भी एक ब्रश
अपना सिग्नेचर सीरीज ब्रश स्पॉन्सर किया है, तो बहुत बड़ी बात है जिस भी आर्टिस्ट को मिलेगा। हमारे जो इंडिया के लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं उनका अगर सिग्नेचर सीरीज ब्रश मिलता है, साथ में आर्ट टेक्नो इनोवेशन जो कि प्लेन एयर ईजल प्रोवाइड करवाते हैं, और साथ में प्रोफेशनल ईजल ये भी प्लेन एयर ईजल प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप सभी इन ऑनलाइन आर्ट स्टोर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। अभी मैं नाम लेता हूँ उन आर्टिस्ट का जिनको ये एज ए गिफ्ट स्कर्ट बैग मिल रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हैं सौम्यदीप दास जी। तो आपको मैं कंग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ कि आपने अपना इतना खूबसूरत काम इस स्कॉलरशिप के लिए भेजा था। साथ में दूसरा जो नाम है वो मैं अनाउंस करना चाहता हूँ, शादाब काजी जी, आपको भी एक बार मैं कंग्रेचुलेशन और थैंक यू करना चाहता हूँ। और जो तीसरे आर्टिस्ट हैं जिनको ये स्काउट बैग मिलता है वो है अंतानु बख्शी जी, तो आपको भी कंग्रेचुलेशन और थैंक यू। साथ में जो चौथे आर्टिस्ट हैं जिनको कि स्काउट बैग एज ए गिफ्ट दिया जा रहा है वो है कबीरानंद सर्वे जी, तो आपको भी कंग्रेचुलेशन करता हूँ। साथ में जो पांचवे आर्टिस्ट हैं जिनको स्काउट बैग मिल रहा है वो है कोमल थोरिया जी, आपको भी कंग्रेचुलेशन करता हूँ। जो अगले आर्टिस्ट है जिनको स्काउट बैग मिल रहा है वो है संपदा पुजारे जी, तो आपको भी मैं कंग्रेचुलेशन करता हूँ इसके लिए। उसके बाद जो अगले आर्टिस्ट हैं राहुल वाघ जी, उनको भी स्काउट बैग मिलता है एज ए गिफ्ट, और साथ में संदीप वर्मा जी, उनको भी ये स्काउट बैग एज ए गिफ्ट मिल रहा है। तो जो जो नाम मैं ले रहा हूँ वो आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर उनके पोस्टर दिखाई दे रहे होंगे। अश्विन खापरे जी, इनको भी स्काउट बैग एज ए गिफ्ट दिया जा रहा है। और देव जानी अचरजी जी अगले लास्ट आर्टिस्ट है जिनको ये स्काउट बैग एज ए गिफ्ट दिया गया है कलारम की तरफ से, तो इन सभी को मैं कंग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बहुत अमेजिंग काम थे, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, लेकिन ये एक अप्रिसिएशन या एज ए गिफ्ट आप इसे समझ सकते हैं कलारम की तरफ से। अभी बात करते हैं आर्ट मटेरियल की, तो सबसे पहले एलिफेंट कंपनी जो है उन्होंने 5,000 के आर्ट मटेरियल दो आर्टिस्ट को स्पॉन्सर किए हैं, तो जिनको ये स्कॉलरशिप मिल रही है उनमें सबसे पहला नाम है पूजा दास जी, तो कंग्रेचुलेशन करूंगा मैं पूजा दास जी को। आप यहाँ पर इनका पोस्टर देख सकते हैं और इनका आप काम भी देख सकते हैं, क्या अमेजिंग वर्क था इनका। और साथ में जो दूसरे आर्टिस्ट है जिनको एलिफेंट की तरफ से आर्ट मटेरियल मिलता है वर्थ ₹5,000 वो है सिद्धांत जी, यहाँ पर पोस्टर आपको दिख रहा है उनका, उनका काम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या अमेजिंग काम था। तो कंग्रेचुलेशन करता हूँ मैं पूजा दास जी को और सिद्धांत जी को, जिनको कि एलिफेंट द्वारा आर्ट मटेरियल एज ए स्कॉलरशिप मिल रहा है। अभी बात करते हैं EBS कंपनी द्वारा, EBS आर्ट स्टोर जो कि एक चंडीगढ़ बेस्ड आर्ट मटेरियल स्टोर है जो कि ऑनलाइन सर्विस भी प्रोवाइड करवाते हैं, उन्होंने भी दो आर्टिस्ट को 5,000 के कूपन स्पॉन्सर किए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको एक 5,000 का वाउचर मिलेगा, आप उस वाउचर को जैसे मर्जी स्पेंड कर सकते हैं इस EBS आर्ट स्टोर में। तो जो सबसे पहले आर्टिस्ट है जिनको EBS द्वारा ये 5,000 का वाउचर मिल रहा है जिससे कि वो आर्ट मटेरियल परचेज कर सकते हैं, उनका नाम है निहुल चारी जी, तो मैं कंग्रेचुलेशन करूंगा निहुल चारी जी को, बहुत ही अमेजिंग काम आपका इस स्कॉलरशिप के लिए जो आपने भेजा था, और कंग्रेचुलेशन करता हूं आपको एक बार फिर से। और जो अगले आर्टिस्ट हैं जिनको EBS आर्ट मटेरियल कंपनी द्वारा 5,000 का वाउचर दिया जाता है उनका नाम है खुशबू झा जी, तो खुशबू झा जी को भी मैं एक बार कंग्रेचुलेशन करूंगा, आप इनका काम यहाँ पर देख सकते हैं पोस्टर में, तो इन दोनों आर्टिस्ट को मैं फिर से कंग्रेचुलेशन करूंगा। अभी बात करते हैं रैप एंड रूफ ने जो स्पॉन्सरशिप दी थी दो आर्टिस्ट के लिए, इन्होंने भी वाउचर दिए थे 5,000 के, तो ये वाउचर जिन भी आर्टिस्ट को मिलेंगे वो 5,000 का आर्ट मटेरियल परचेज कर पाएंगे इस ऑनलाइन आर्ट स्टोर से जो कि रैप एंड वूव है। तो जो पहले आर्टिस्ट है जिनको ये वाउचर मिलता है वर्थ ₹5,000 बाय रैप एंड वूव, उनका नाम है कुसुमावती हीरे जी,
तो मेरी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है, इसलिए पोस्टर यहाँ पर है, इनका काम भी देख सकते हैं, क्या अमेजिंग काम है। कुसुमावती हीरा जी, तो इनको ये 5000 का वाउचर मिलता है जिससे कि आर्ट मटेरियल वहाँ से परचेज कर सकते हैं। जो दूसरे आर्टिस्ट है जिनको कि रैप एंड रूफ के द्वारा ये गिफ्ट वाउचर मिल रहा है जिससे कि वो कोई भी आर्ट मटेरियल वहाँ से परचेज कर सकते हैं वर्थ रुपीज 5000, उनका नाम है सुमित जी। तो ये उनका वर्क है। तो अगर किसी को नाम में भी कंफ्यूजन हो कि एक ही नाम के बहुत सारे आर्टिस्ट हो सकते हैं, तो आप काम देख सकते हैं, उससे आपको पता लग जाएगा कि ये जो स्कॉलरशिप है वो किसे मिली है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा एक बार फिर से कुसुमावती हीरा जी को और सुमित जी को इस स्कॉलरशिप के लिए। अब बात करते हैं सिग्नेचर सीरीज ब्रश बाय लेजेंडरी आर्टिस्ट प्रफुल सावंत सर। जी हाँ, इन आर्टिस्ट को मिल रहा है प्रफुल सावंत सर का सिग्नेचर सीरीज ब्रश, जो कि इन्होंने खुद से कस्टमाइज किए हैं, बहुत अमेजिंग क्वालिटी के ब्रश। और जिन आर्टिस्ट को ये मिल रहा है उनका नाम है आकाश खेतावत। तो स्क्रीन पर आप उनका वर्क देख सकते हो, आप उनका पोस्टर देख रहे हो, क्या अमेजिंग काम इनका है। इनको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा स्कॉलरशिप के लिए। नेक्स्ट स्कॉलरशिप जो है वो है प्रोफेशनल प्लेनर ईजल बाय अचिंत्य हाजरा सर। तो एक बार फिर से अचिंत्य हाजरा सर ने अपना प्रोफेशनल ईजल स्पॉन्सर किया है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। तो जिनको ये प्लेनर ईजल प्रोफेशनल ईजल एज ए स्कॉलरशिप मिल रहा है उनका नाम है वैभव गायकवाड़। बहुत ही अमेजिंग इनका काम आप यहाँ पर पोस्टर में देख सकते हैं, बहुत ही मजेदार इनका काम था। मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा वैभव जी को इस स्कॉलरशिप के लिए। अब बात करते हैं आर्ट टेक्नो इनोवेशन ने भी एक प्लेन एयर ईजल स्पॉन्सर किया था, और जिस आर्टिस्ट को आर्ट टेक्नो इनोवेशन का ये अमेजिंग प्लेन एयर ईजल मिलता है उनका नाम है राहुल नस्कर जी। आप यहाँ पर पोस्टर देख सकते हैं उनका स्क्रीन के ऊपर, बहुत अमेजिंग वर्क था, और राहुल जी को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ इस स्कॉलरशिप के लिए। अब बात करते हैं तीन रेजिडेंशियल आर्ट वर्कशॉप जो कि स्पॉन्सर की है तीन आर्टिस्ट ने। तो मैं उनके नाम बताता हूँ जिन जिन आर्टिस्ट ने ये रेजिडेंशियल आर्ट वर्कशॉप स्पॉन्सर की है, और किन किन आर्टिस्ट को ये स्पॉन्सर की गई है उनके नाम भी मैं यहाँ पर अनाउंस करता हूँ। तो अश्विन कुमार राव जी को मैं थैंक यू करूंगा जिन्होंने 15,000 की ये रेजिडेंशियल आर्ट वर्कशॉप एक आर्टिस्ट को स्पॉन्सर की है। और साथ में मैं थैंक यू करूंगा आदित्य पोंक्सी जी का, इन्होंने भी एक 15,000 की रेजिडेंशियल आर्ट वर्कशॉप स्पॉन्सर की है आर्टिस्ट के लिए। और मैं थैंक यू करता हूँ तनय जी का जिन्होंने द गैलरी प्रोजेक्ट की तरफ से एक रेजिडेंशियल आर्ट वर्कशॉप वर्थ रुपीज 15,000 स्पॉन्सर किया है एक आर्टिस्ट के लिए। तो किन किन आर्टिस्ट को ये रेजिडेंशियल आर्ट वर्कशॉप एज ए स्कॉलरशिप मिली है उनके नाम मैं यहाँ पर अनाउंस करता हूँ। तो जो सबसे पहले आर्टिस्ट हैं वो है अभिजीत घोषाल जी। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा अभिजीत घोषाल जी को रेजिडेंशियल आर्ट वर्कशॉप के लिए जो उनको एज ए स्कॉलरशिप मिली है। और साथ में जो दूसरे आर्टिस्ट हैं जिनको ये रेजिडेंशियल आर्ट वर्कशॉप स्कॉलरशिप के रूप में मिली है वो है हरप्रीत कौर जी, तो इनको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ। और जो तीसरे आर्टिस्ट हैं जिनको ये रेजिडेंशियल आर्ट वर्कशॉप स्कॉलरशिप के रूप में मिली है वो है विलास बेंद्रे जी। अब बात करते हैं कैश स्कॉलरशिप की, जो कैश अवार्ड मिलेंगे एज ए स्कॉलरशिप। सबसे पहले तो मैं अपनी आर्ट कम्युनिटी को थैंक्स करना चाहता हूँ जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, और कुछ ना कुछ कैश प्राइज जितना भी कोई स्पॉन्सर कर सकता था वो स्पॉन्सर किया। तो मैं कुछ एक आर्टिस्ट के नाम लेना चाहता हूँ जिन्होंने ये कैश प्राइज जो है वो स्पॉन्सर किए। तो हीना दक नीजा जी, सौरभ जी, विजय बिस्वाल सर, किशोर जी, अलका बोरा जी, उमा जानकी रमन जी, और कुछ ऐसे भी आर्टिस्ट थे जिन्होंने कि अपना नाम अनाउंस करना प्रेफर नहीं किया, उन्होंने स्पेशली हमें मना किया है कि उनका नाम अनाउंस ना किया जाए, इसे गुप्त रखा जाए। तो मैं उन सभी आर्टिस्ट को थैंक्स करना चाहता हूँ जिन्होंने कि सपोर्ट किया दूसरे आर्टिस्ट को जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली। थैंक यू आप सभी को। और अभी बात करते हैं कि किन किन को ये अवार्ड मिले हैं। तो जो सबसे पहले मैं अनाउंस करूँगा
ब्रॉन्ज स्कॉलरशिप अवार्ड जो है 10,000 रुपये का कैश प्राइज, और ये प्राइज मिलता है अंकुर बंसल जी को। कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा मैं अंकुर बंसल जी को। यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर उनका आर्टवर्क देख सकते हो, बहुत अमेजिंग वर्क था, सभी का बहुत अमेजिंग वर्क था। ये जितने भी आर्टिस्टों के अभी तक मैंने नाम लिए और जो मैं अभी अनाउंस करने वाला हूँ, जजेस के लिए बहुत ज़्यादा टफ था ये जजमेंट, और बहुत क्लोज ये कॉल थी सभी, तो सभी को मैं वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन करूँगा। और यहाँ पर अंकुर बंसल जी को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने ब्रॉन्ज स्कॉलरशिप अवार्ड यहाँ पर विन किया है जो है कैश प्राइज 10,000। और इसके बाद बात करते हैं सिल्वर स्कॉलरशिप अवार्ड। तो कलारम का ये सिल्वर स्कॉलरशिप अवार्ड जो कि है कैश प्राइज 20,000 रुपीज, ये मिलता है जारा शेख जी को। जी हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा मैं जारा शेख जी को सिल्वर स्कॉलरशिप अवार्ड के लिए जो कि है 20,000 कैश प्राइज। और उसके बाद बात करते हैं गोल्डन स्कॉलरशिप अवार्ड। जी हाँ, कलारम का ये गोल्डन स्कॉलरशिप अवार्ड जो कि है कैश प्राइज 30,000 रुपीज, ये अवार्ड जाता है हर्षवर्धन देवतले जी को। जी हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा मैं हर्षवर्धन जी को इस अवार्ड को विन करने के लिए स्कॉलरशिप के रूप में। तो ये जो 3 आर्टिस्ट हैं इनको कैश प्राइज मिलेंगे, और सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट जैसे ही हो जाती है, सभी जो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप विन किया है उनको उनके जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगी जल्दी ही, सभी के साथ कॉन्टेक्ट कर लिया जाएगा। इसी के साथ मैं थैंक यू करना चाहूँगा कलारम की टीम का जो बैकएंड पर काम कर रही है, मैं थैंक्स करना चाहूँगा वंशिका मलिक जी का, कनिष्ठा भाटिया जी का, कृपा सिटोले मैम का और अलका वोरा मैम का जो कि बैकएंड पर काम कर रहे हैं इतना सारा, ताकि कलारम जो है वो आर्टिस्ट के लिए काम करता रहे। और आप सभी को कहूँगा मोटिवेटेड रहिए और काम करते रहिए, बहुत अच्छा काम सभी का आ रहा था। और आने वाले टाइम में जहाँ भी आपको मौका मिलता है कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने का, किसी स्कॉलरशिप के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो, आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, आप इम्प्रूव कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और जिनको स्कॉलरशिप में कुछ नहीं मिला उनको भी मैं उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। और साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कलारम के इस यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत से आर्टिस्ट के डिटेल्ड डेमो मिल जाएंगे। अगर आप आर्ट सीखना चाहते हैं तो अलग अलग मीडियम के डेमो अलग अलग आर्टिस्ट के इस कलारम यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, आप जाइए उन्हें देखिए और जितना सीख सकते हैं आप सीखिए, और आर्ट करते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।